लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल की तरह इस बार भी सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। सप्ताह भर चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात पुलिस लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न आयोजन करेगी। इस दौरान न केवल स्कूलों में जाकर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी, बल्कि रैली एवं अन्य आयोजनों के जरिए पुलिस लोगों को यातायात इस दौरान न केवल स्कूलों में जाकर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी बल्कि रैली एवं अन्य आयोजनों के जरिए पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति अवेयर करेगी। शनिवार को सड़क सुरक्षा रैली निकालकर सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। इस दौरान टावर चौक पर पुलिस कप्तान सचिन अतुलकर ने एडिशनल SP प्रमोद सोनकर, एडिशनल SP रूपेश द्विवेदी के साथ हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा रैली को रवाना किया। रैली में तमाम स्कूल के छात्र छात्राएं, होमगार्ड, पुलिस, NCC, राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्र छात्राएं शामिल हुए। रैली में इस दौरान सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा से जुड़े स्लोगन्स की पट्टियों के जरिए लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। VVS सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। यातायात के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए उसके नियमों का पालन किया जाए और जो पुलिस है और जनता साथ में मिलके एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें दुर्घटनाएं ना हो और सुचारू रूप से यातायात चलता रहे, इसके लिए प्रतिवर्ष ये सप्ताह आप लोग जानते हैं मनाया जाता है। इस वर्ष भी यातायात सप्ताह का शुभारंभ आज किया गया है जिसमें स्कूल के बच्चे और बहुत सारे हमारे सहयोगी ने अवेयरनेस जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली के रूप में जिसमें बहुत सारे ऐसे यातायात से संबंधित स्लोगन्स हैं और यातायात रथ है इसको निकाला गया है। इसके माध्यम से लोगों के बीच ये संदेश पहुँचे कि यातायात नियमों का पालन किया जाए। यातायात पुलिस और जो हमारे सभी सहयोगी वो ये चाहते हैं कि चालानी कार्रवाई के माध्यम से लोगों में जागरूकता ना फैले, बल्कि एक अवेयरनेस ड्राइव ऐसी फैलाई जाए कि ये लोगों के खुद की सुरक्षा के लिए है जिससे दुर्घटनाएं कम होती हैं और सुचारू रूप से हमारे शहर का, हमारे ज़िले का यातायात बाधित नहीं है।